एसिड कैटेलाइज्ड अल्फा हेलोजिनेशन आपको बताएंगे, एसिड कैटेलाइज्ड अल्फा हेलोजिनेशन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, द नेम स्टेटेड एसिड कैटेलाइज्ड। तो कोई अपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, जैसे कि हमने इस तरह का एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं, इस पर अगर आप हेलोजिनेशन इट मीन्स BR2 की रिएक्शन करते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड एक हम ले लेते हैं एसिडिक एसिड CH3COH। तो क्या होता है, मीडियम एसिडिक है, ब्रोमीन है, और हमें मालूम है कि जो ये हाइड्रोजन है ये एसिडिक होते हैं। तो बहुत इजी है कि आप पहले इसमें जैसे जो CH3COOH है, हमें मालूम है ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव देगा। आप इस H पॉजिटिव का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर आप देख रहे हैं दो लोन पेयर हैं, तो ये H पॉजिटिव जो है ऑक्सीजन इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, या H पॉजिटिव जो है ऑक्सीजन के पास में ऐड होगा। कैसे, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री प्लस H पॉजिटिव इक्वल टू ए यहाँ पे बन जाएगा, तो ये आया आपका ऑक्सोनियम आयन कुछ बनेगा OH, ये पॉजिटिव और दिस वन इज CH3 एंड बस ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच ये पॉजिटिव है, दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स हियर CH3, ये तो होता ही है, पाई बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट करेगा, इसमें आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो जैसे इसमें पॉजिटिव आएगा उसके बाद क्या होता है वो भी देखिए, जैसे इसमें पॉजिटिव, इसमें आप नेक्स्ट हम बताते हैं आपको, ये पॉजिटिव इस तरह से आया OH, ये आ गया, ये पॉजिटिव आया, यहाँ पर CH2H लिख देते हैं CH3 को, तो जो ये बना तो ये यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है और ये वाला H जो है इसके पास वापस आ जाता है। जस्ट एसिडिक मीडियम जो है, जो ये हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव होना है, रिमूव तो होना ही है, यहीं पर हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, यहाँ पे तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, तो ये हाइड्रोजन को आउट होने में ये CH3COOH जो है हेल्प कर सकता है। तो इसके बाद ये यहाँ आया तो H प्लस जो है, इसके बाद इसी को आगे बढ़ा देते हैं, H प्लस जो है माइनस H प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा CH3COOH डबल बॉन्ड CH2। अब ये बन गया इनॉल फॉर्म, जैसा कि हमें मालूम है जो इनॉल फॉर्म है दैट इज अनस्टेबल। तो इनॉल फॉर्म को हम किस तरीके से जो है रिएजेंट जो दिया हुआ है उसके साथ पे अटैक करते हैं। जो इनॉल फॉर्म है पहले जो स्टेबल देखें कीटो फॉर्म है उसी को अनस्टेबल करके ही हम रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो CH3COOH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BR2 सिंगल बॉन्ड BR, तो इक्वल टू क्या होता, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ वापस आएगा, ये यहाँ आएगा, और यहाँ पे जो है जैसे ही BR ये CH2 नेगेटिव आता है तो ये BR जो है एज ए BR पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, और ये H प्लस और BR माइनस मिल करके एक तो बना देंगे HBR, और प्लस जो है जो बना CH3C डबल बॉन्ड हो CH2 BR। तो ये एसिड कैटेलाइज्ड अल्फा हेलोजिनेशन है। आप बेस की प्रेजेंस में भी अल्फा हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, आप एसिड के प्रेजेंस में भी हटा सकते हैं, दोनों में मैकेनिज्म में थोड़ा डिफरेंस होगा। ये जो हमने यहाँ पर मैकेनिज्म आपको दी उसका डिफरेंस अगर बेस कैटलिस्ट के साथ में ये करते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, बेस की प्रेजेंस हम लेंगे तो बेस यहाँ से शुरू करेगा, लेकिन एसिड की प्रेजेंस लेंगे तो हमारा यहाँ ओ से शुरू होता है, होना वही है, मैकेनिज्म में थोड़ा डिफरेंस आएगा, बनने का तरीका प्रोडक्ट का डिफर हो जाएगा, लेकिन बनेगा प्रोडक्ट सेम। तो इसी तरह से कुछ और अगर हम कहें आपसे
CEH जो ये दिया उसी का साइक्लिक फॉर्म अगर हम दे दें, इस तरह से ओपन जीएल में दिया था, ये हो गया। और यहाँ पे हमें दिया है Cl2 ने Br2 दिया था और CH3 COOH, तो ये प्रोडक्ट बना है। तो इस तरह की क्वेश्चंस बहुत बार देखते हैं, एग्जाम में आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से जो है इसका प्रोडक्ट बनाया जाए। तो देखिए इसमें मैकेनिज्म सेम होनी है। सबसे पहले क्या होगा, CH3COOH ब्रेक होगा, ये दो बनेंगे। उसके बाद जो CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव बने उसमें से H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, तो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना जो H पॉजिटिव के रूप में होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो आप देखते हैं कि जो सबस्ट्रेट चाहे आप इसको ले लीजिए या जो ये दिया हुआ इसको ले लीजिए, आप ऑक्सीजन के ऊपर ही आप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है बेटर मिलेगी आपको। जब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको बेटर मिलेगी तो वही पॉइंट है एच पॉजिटिव के लिए अटैक करने के लिए, ठीक है ना। तो ये एच पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ओ पे पॉजिटिव आएगा, जैसे यहाँ था ऑक्सोनियम आयन, इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, तो यहाँ पर भी एक ऑक्सोनियम आयन बनेगा। जैसे ही ऑक्सोनियम आयन यहाँ पर बनेगा ये पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ, तो इस कार्बन में पॉजिटिव आएगा, जैसे यहाँ हुआ था, जैसे हमने ये यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पर पॉजिटिव पहले ना लग के बाद में लगेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आएगा। तो सेम यहाँ भी होगा, ये यहाँ आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें क्या भी देखना है, आप देखो यहाँ पे एच एच और यहाँ भी एच, एक्चुअली ये दोनों तरफ CH2 है, इसलिए कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं करना है। हाँ एक तरफ CH3 होता तो थोड़ा सा ये सेलेक्टिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोई सिलेक्शन का कोई तरीका नहीं है, सिमेट्रिकल दिया हुआ है। तो ये CH, ये H है, ये H है, दोनों तरफ सेम चीजें हैं। तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर अब इससे आगे हम यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से इसको बनाएंगे। जो हमने किया ये पाई बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया था और यहाँ पर H था, इतना तक हम पहुंच गए थे, और ये जो है आपका ये यहाँ आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। तो इसके बाद आप देखते हैं कि जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ पर तक पहुंचे हुए हैं, तो इसके बाद क्या है कि ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये जो H पॉजिटिव है ये पाई बॉन्ड, अब ये पॉजिटिव भी खत्म हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक इनॉल का कंपाउंड बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। ये हो गया। इसके बाद जब इनॉल बन गया तो यानी कि आप यहां पर पहुंच गए हैं, तो यहां पे आपने Cl2 लिया था, तो इसके बाद इसकी रिएक्शन हम Cl सिंगल बॉन्ड Cl से करेंगे, तो ये बॉन्ड वापस आएगा अपनी जगह पर, ये यहाँ वापस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ साइमल्टेनियस नेगेटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर नेगेटिव आएगा ये Cl जो है एज ए Cl पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, और जब ये बॉन्ड यहाँ आया यहाँ डबल बॉन्ड आया तो ये एच पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर के क्या बना देंगे, HCl बना देंगे, तो आपको जो मेन प्रोडक्ट मिला वो ये मिला। ये तो H बने रहेंगे अपनी जगह, इसको कुछ नहीं करना, अपने डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पर एक Cl लग गया और एक H आ गया, तो इट मींस अल्फा हैलोजनेशन जो हमने कहा है, अल्फा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन हटा करके उसमें हैलोजनेशन लगाना है, साइक्लिक फॉर्म अगर होगी तो भी मैकेनिज्म वैसा ही होगा, और अगर ओपन चेन में होगी तो मैकेनिज्म सेम तरीके से होगा। तो ये तो था हमारा एसिड कैटलाइज्ड अल्फा हैलोजनेशन। अब इसी तरह से दूसरा जो रिएक्शन है By name, well known reaction है aldol condensation जिसको बोला जाता है। तो aldol condensation में कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड को लिया जाता है जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, aldol condensation
तो एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड और कीटो हैविंग एल्फाइड यही मेन है कि एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल देगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल नहीं देगा। और किसकी प्रेजेंस में आप लेते हैं माइल्ड बेस यानी कि वीक बेस, माइल्ड बेस, ठीक है ना, माइल्ड बेस की प्रेजेंस में होगा। और उसमें माइल्ड बेस में क्या क्या हो सकता है, जैसे डाइल्यूट NaOH हो सकता है, BaOH twice हो सकता है, K2CO3 हो सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, हमने इतने आपको नाम बताए। कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, माइल्ड बेस हमने लेना है, डाइल्यूट NaOH है, BaOH twice है, K2CO3 है एक्स्ट्रा। तो अब इसके साथ में क्या होगा मैकेनिज्म देखिए, एल्डोल नेम दिया गया है इसका, माने एल्डिहाइड ग्रुप उसमें होगा और ऑल ग्रुप उसमें होगा, एल्डिहाइड CHO भी होगा उसके अंदर जो है, OH भी होगा, तब उसको एक क्लास दिया, नाम दिया गया, क्लासिफाई किया गया एल्डोल के अंदर। ओके, ये दो कंडीशन होनी बहुत जरूरी है। तो लेट की एक कंपाउंड अगर हम दें आपको, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, पहले तो हमें ये समझना है कि क्या ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो देख रहे हैं आप, जो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसके नेबरिंग वाला कार्बन ये अल्फा है, अल्फा से हमारे तीन हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो इट मींस ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, दैट्स व्हाई ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, पहले तो ये देना। इसकी रिएक्शन जो है हमें पता है कि हमें माइल्ड बेस लेना है यानी कि वीक बेस लेना है, डाइल्यूट एनी, अगर इतना दिया है तो समझ लीजिए आपको एल्डोल कंडेंसेशन दिया है। तो कंडेंसेशन के दौरान होता गया, देखिए जो कोई भी आपको कंपाउंड दिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अगर वो किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में स्मॉलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर है, अल्कोहल है, अमोनिया है, ये सब चीजें आउट करके एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो वो कंडेंसेशन की प्रोसेस कही जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, दो मोल जो है यूज होते हैं, दो मोल यूज होते हैं और जो है कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल अभी आउट होगा। देखिए कैसे आउट होता है, क्या कोई मॉलिक्यूल आउट होता है या कंडेंस हो जाता है, वो भी देखेंगे अभी। तो अगर इतना दिया हुआ है तो समझना है हमने, अगर टू नहीं भी दिया है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स देना कोई जरूरी नहीं होता है, वो हमें खुद समझना होता है कि कितने मोल जो है वहां कितने मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते हैं, तो इतना ही दिया होगा, ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन है। तो होता क्या है देखते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो NaOH है, आप देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म जो है वो दिया जाएगा, मैकेनिज्म जो NaOH है वो ब्रेक होना है, ठीक है, NaOH को ब्रेक करेंगे तो ये बनता है। इसको स्टेप इतना इजी है कि आपको देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है बहुत जगह पर। तो ये NaOH Na प्लस और OH माइनस हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है, देखिए इम्पोर्टेंट है कि हमने डाइल्यूट लिया हुआ है, डाइल्यूट लिया हुआ है, तो इट मीन्स ये है कि NaOH में ब्रेकिंग के बाद जो OH माइनस का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि यहीं पर से डिफरेंस शुरू होता है। क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है, OH माइनस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा वहां पर बन जाता है, तो फिर वो यहाँ पे अटैक कर जाता है कार्बोनिल कार्बन पर, ठीक है। तो ये जो OH माइनस है यहाँ पे, ये OH माइनस इसमें से क्या निकालता है, ये यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन अटैक करता है, कैसे देखिए, CH3 को हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, CH CH CH, और यहाँ पर आपका आ गया O और ये आ गया H। तो इसके साथ में आपने लेना है OH माइनस जो बना हुआ है पहले स्टेप में, आपने NaOH को ब्रेक करके बनाया है, तो ये OH माइनस क्या करता है, यहां पर से किसी भी एक H में से किसी एक को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है एज ए प्रोटॉन जो है OH माइनस के पास चला गया H प्लस, तो ये हो गया आपका जो बचा यहाँ पे, वो ये बना
सी एच एच, ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, ये एच हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये बॉन्ड यहां आया और ये नेगेटिव चार्ज बना, ये एक तरह से कार्बेनाइन है। अब ये कार्बेनाइन और माइनस एच टू हो गया, देखिए ये ओ एच माइनस ने ये एच प्लस किया तो एच टू हो गया, ठीक हो गया। तो ये जो कार्बेनाइन बना हुआ है, ये कार्बेनाइन इसलिए बना क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है ना। तो कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सीधा रेजोनेंस यहीं पे आगे बढ़ा देंगे। तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये यहाँ बॉन्ड बनाएंगे ये, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सी और ओ के बीच में देखिए पोलैरिटी का डिफरेंस जो है, पाई बॉन्ड लिटिल बिट शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दिस वन गेट पॉजिटिव दिस वन नेगेटिव, ये पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो इसकी वजह से सी एच एच हियर इज डबल बॉन्ड, सी ओ नेगेटिव दिस एच, तो ये आपका है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बेनाइन। जो ये कार्बेनाइन बना हुआ है, यही कार्बेनाइन जो है इसके सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉर द सेकेंड मॉलिक्यूल, ओके। कैसे, देखिए सी जो ये, इसको लिख लेते हैं हम पहले सी एच एच, यहाँ पे नेगेटिव सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हो गया, और प्लस इसका ही सेकेंड मॉलिक्यूल ले रहे हैं, देखिए सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है हमारा कार्बन पर, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा इसके लिए। कैसे, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, दिस वन गेट पॉजिटिव दिस वन गेट नेगेटिव, अब डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव लिख देते हैं, ये हो गया। तो ये जो नेगेटिव है सी एच टू नेगेटिव जो दिख रहा है, ये जो है इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। इसका माने ये जो कार्बेनाइन था जो हमारे इस स्टेप में बना था, सेकेंड स्टेप में जो हमने बनाया था, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और वैसे भी हमें मालूम है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो न्यूक्लियोफाइल की ही तरह काम करता है। यहाँ पे इसका इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक रिएक्शन होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखिए अब पहले हम इसको लिख रहे हैं सी एच थ्री, ये हो गया सी एच, यहाँ लगा दिया ऊपर, अगर पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया पूरा तो नेगेटिव हो गया, इस कार्बन पर जो ये कार्बन है पॉजिटिव आया तो इस पॉजिटिव से ये जुड़ गया नेगेटिव वाला CH2, ये CH2 ये, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये C डबल बॉन्ड O है और H, यहां तक आप पहुंचे। तो आफ्टर दैट अब क्या करना है आपको, देखिए हमें जैसा कि मालूम है कि किसी भी रिएक्शन, मेन रिएक्शन आपके सामने ये रखी गई है, आपने डायल्यूक एनिवेस लिया, ये एज ए कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर काम किया, इसमें से हमने फर्स्ट स्टेप में जैसे ये ब्रेक करके दूसरे में देख रहे हैं ओ एच माइनस लिया था मीडियम से, सिस्टम से ओ एच माइनस ने क्या किया, यहाँ पर से एच पॉजिटिव को आउट करने में हेल्प करी, और वो जो है ओ एच माइनस एच लेकर के एच टू के रूप में अवेलेबल है। इट मीन्स आपको जो है ये जो एन ए प्लस यहाँ बचा हो उसको वापस भी करना है ओ एच माइनस। तो जो ये बना हुआ है इसी में आप क्या करते हैं H2O का ट्रीटमेंट करेंगे आप। अगर इसमें H2O को आप मिलाते हैं, H2O सिस्टम में तो है ही, H2O जो H2O से वो H प्लस ले लेगा और ये कंपाउंड हमें मिलेगा CH3COH हियर H CH2 देन C डबल बॉन्ड O एंड H हियर, ओके। अगर आप इस कंपाउंड को देखें माइनस ओ एच माइनस हो गया, अगर इस कंपाउंड को आप देखें तो इसमें कौन कौन से ग्रुप है, देखिए ये सी एच ओ ग्रुप है, दिस वन इज ऑल एल्डिहाइड एंड दिस वन इज ऑल, ये एल्डिहाइड भी है, एल्डिहाइड ग्रुप है और ये ऑल ग्रुप है, एल्ड और ऑल, तो एल्डॉल इसको बोला।
दैट इज कॉमन क्लास नॉट ए यूपीएससी. अगर इसको आईयूपीएससी में अगर आप नेमिंग करना चाहते हैं तो 1, 2, 3 एंड दिस वन इज द 4. तो 3-hydroxy जब OH एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे तो आप 3-hydroxy इसको बोलेंगे 3-hydroxy और ये आ जाएगा आपका पूरा है 4. तो ब्यूटेनल ब्यूटेनल तो ये इसका आईयूपीएससी नेम हो गया. तो फाइनली आप देख रहे हैं एल्डोल बना. अगर जो एल्डोल बना हुआ है आपका अगर उसको आप हीट अप करते हैं लाइट की टेम्परेचर अधिक है वहां पे तो ये यहाँ पर न रुक करके एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है. लेकिन नॉर्मली जब एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है तो आप एल्डोल तक बनाएंगे. लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता है कि हमने टेम्परेचर एकाएक बढ़ा दिया है तो एल्डोल में आगे फर्दर क्या होता है CH2 को इस तरह से लिख लेते हैं HH फिर बना हुआ हमारा C डबल बॉन्ड O एंड H हियर. तो जब इसको टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा जो ये वाला OH है क्योंकि ये CH3 का प्लस आई भी यहाँ पर काम करेगा CH3 का इफेक्ट है प्लस आई तो ये OH माइनस ये OH माइनस और ये H प्लस ये बॉन्ड यहां से ओके. तो ये H प्लस और ये OH माइनस मिल करके हमें H2O आउट करने में हेल्प करेंगे और दूसरा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से होगा CH3CH हियर इज डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H. तो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड क्योंकि ये है आपका कार्बोनिल कार्बन फंक्शनल ग्रुप कार्बन दिस वन इज अल्फा बीटा एंड दिस वन इज द गामा. इट मींस डबल बॉन्ड इज बिटवीन अल्फा एंड बीटा दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बोलते हैं एल्डिहाइड. और इसी को आप क्या भी बोल सकते हैं देखिए डबल सिंगल डबल इट मींस कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड इसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड. ये तब बनता है जब आप एल्डोल जो बना हुआ है उसको आप हीट अप करते हैं और H2O उसमें से आउट हो जाता है तो तब ये बनता है. तो ये रिएक्शन हमने दी आपको एसिड एल्डिहाइड के केस में. इसी तरह से अगर आपसे ये कहा जाता है कि क्या ये एल्डोल रिएक्शन मिक्स्ड एल्डिहाइड के साथ में भी हो सकता है क्या दो अलग अलग एल्डिहाइड भी दे सकते हैं क्या ये कीटोन भी दे सकता है तो दोनों में आपका आंसर यस होना है. क्यों क्योंकि अगर आप अलग अलग एल्डिहाइड लेते हैं डिफरेंट एल्डिहाइड तो भी ये हो सकता है लेकिन कंडीशन है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तब भी ये रिएक्शन होती है. और अगर आप कीटोन लेते हैं तो भी ये रिएक्शन हो सकती है लेकिन कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. सपोज लेट कि अगर इसमें डिफरेंट लें हम तो उसके लिए क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन का वर्ड यूज किया जाता है. तो हम इसमें आपको एक क्रॉस्ड या एक पहले कीटोन से इसको बता दें कीटोन का भी अगर आप देखें तो कीटोन भी एक लेकर के सिंगल कीटोन फिर क्रॉस्ड बता देते हैं तो ये कीटोन के साथ में किस तरह से ये रिएक्शन होगी को देखिए और प्रोडक्ट क्या बनेगा. जैसे यहाँ एल्डोल बना तो अगर आप कीटोन लेते हैं तो क्या बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी लेट की कीटोन हमारे पास है CH3 और आ जाता है इसमें क्वेश्चन आपका डाइल्यूट NaOH या BaOH twice कुछ भी दिया जा सकता है. लेट कि हमने BaOH twice या इसमें से या ये भी दे देते हैं BaOH twice दे देते हैं ठीक है. तो रिएक्शन तब भी हमें समझना है कि एल्डोल टाइप रिएक्शन है. सबसे पहला तो क्या अल्फा हाइड्रोजन है इसमें देखिए यस कार्बोनिल कार्बन दिस वन अल्फा बोथ साइड अल्फा और यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन ठीक है.
तो अल्फा हाइड्रोजन के बेस में कोई दिक्कत नहीं है। माइल्ड बेस BOH ट्वाइस आपने लिया है, इसमें एल्डोल की पॉसिबिलिटी है। 2 मोल आपको खुद समझना है कि 2 मोल यहाँ पर यूज होंगे, तो कैसे इसका मैकेनिज्म आप देंगे। ठीक है, BOH ट्वाइस आपका ब्रेक होगा, OH माइनस देगा, वो ठीक है, उस स्टेप को हम यहां से ले लेते। देखें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बेस ने OH माइनस दिया, बेस ने OH माइनस दिया, तो अब इस OH माइनस को, क्योंकि OH माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, लेकिन हमें ये समझना है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना माइल्ड बेस से आया हुआ है, मीडियम से हमें पता चलेगा, ये अगर वीक बेस है तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। अगर वो बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो वो यहाँ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में अवेलेबल है एच, क्योंकि ये यहाँ ऐड भी होता है तो बहुत स्टेबल फॉर्म में ये यहाँ पर रह नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो जुड़ेगा वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये यहाँ पे क्या करता है, जो ये एच है यहाँ पर से एच को लेकर के, अगर इस एच को हम अलग कर दें ये, तो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। इट मींस एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अल्फा हाइड्रोजन को लेगा, अल्फा प्रोटॉन को लेगा, अल्फा पोजिशन ये है, ये भी अल्फा पोजिशन है, तो यह बन जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, दिस वन इज नेगेटिव हियर एंड माइनस H2। ओके, दिस इज कार्बेनाइन, दिस कार्बेनाइन इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम थ्रू जो है कार्बोनिल कार्बन। देखिए कैसे इसमें बना आपका CH3 CO नेगेटिव, दिस वन इज डबल बॉन्ड हियर एंड CH2, दिस इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कार्बेनाइन, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कार्बेनाइन। ओके, नाउ आफ्टर दिस स्टेप, दिस स्टेबिलाइज्ड कार्बेनाइन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, नाउ this one react with the second molecule of this ketone, so this one act as a nucleophile now, CH3 C double bond O CH3। okay, ये जो negative आपको दिखाई दे रहा है C पर जो है एक lone pair है यहाँ पे, और lone pair की वजह से ये negative जो दिख रहा है आपको, ये जो है आपका carbonyl carbon पे attack करेगा, ये हो गया। okay, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ भी नेगेटिव था, क्यों नहीं कार्बोनिल में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम यहाँ पर जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बेटर है कि कार्बन यहाँ पे जुड़ेगा तो कुछ स्टेबलाइज्ड का प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए ये सब हो गया है। तो यहाँ हो जाएगा, पहले इसको यहाँ पे हम लिखेंगे CH3 CO नेगेटिव हो गया, ये CH3, पहले इसको आपको बता दें ये CH3 ये हो गया, ये CH3 हमने यहाँ लगा दिया, पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, ओ नेगेटिव हो गया। इस C से आपने ये जोड़ देना CH2, फिर आया आपका C डबल बॉन्ड O एंड लास्ट वन इज द CH3। जो मॉइटी अभी बनी है, इस मॉइटी का रिएक्शन आपको करना है, क्योंकि आपने सिस्टम से OH माइनस लिया है, BOH ट्वाइस से OH माइनस लिया, आपने BOH ट्वाइस को OH माइनस देना है, तो ये जो H2O यहाँ पर है इसकी रिएक्शन इधर होगी, तो ये बन जाएगा यहीं पे, अगर हम लिख दें H2O की रिएक्शन होगी तो H प्लस यहाँ आ जाएगा, OH माइनस जो है सिस्टम को वापस आप कर देंगे CH3 CO CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पहले वाले में हमने नाम लिखा था एल्डोल, वहां पर क्या एल्डोल लिखा था, सी डबल बॉन्ड ओ एच था, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप था, और बीटा पर ये है आपका मेन फंक्शन अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी था, तो यहाँ पे बीटा पे हाइड्रोक्सी तो है, लेकिन नंबर वन पे जो है आपका कीटो ग्रुप है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कीटोल, कीटोल वहां था एल्डोल, दोनों में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कीटोन से आप बनाएंगे तो कीटोल बनेगा और एल्डिहाइड से बनाएंगे तो एल्डोल बनेगा। तो ये हमने अभी भी एल्डोल आपको बताया, तो डिफरेंट टाइप के हमने बताए, एक तो एल्डिहाइड से लेके बनाया और एक कीटोन से।
अब आप मिक्स भी कर सकते हैं अलग अलग, जैसे एक एल्डिहाइड आपने ले लिया, एक साथ में कीटोन भी आप ले सकते हैं, या एक एल्डिहाइड ले लिया और एक दूसरा एल्डिहाइड ले लिया, दोनों का स्ट्रक्चर अगर अलग अलग है तो एक हम उसको भी बताते हैं आपको। तो एक में मिक्स्ड वाला यानी कि क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। सेम कंडीशन वही होगी, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। और दूसरा ये है कि एक में अगर अल्फा हाइड्रोजन है, अगर आपने दो एल्डिहाइड लिए, एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है और एक में नहीं है, तो भी रिएक्शन हो सकता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो स्टार्ट करेगा रिएक्शन। तो इसमें फिलहाल हम ऐसे ले लेते हैं जिसमें एल्डिहाइड ले लेते हैं और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, इस तरह का ले लेते हैं। CH3CH2, ओके, C डबल बॉन्ड O H, ये हो गया। अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी है क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन, ये अल्फा कार्बन से दो हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन आपके। तो साथ में हम रिएक्शन कर रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसके बाद हो क्या जाता है, जब ये दोनों को रिएक्ट करते हैं तो पहले हमने मीडियम दे दिया, चलो डाइल्यूट NaOH, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क। तो इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, तो दोनों में आप शुरुआत तो किसी भी कर सकते हैं, जो मेन जो ज्यादा है वहां से हम शुरुआत करें। सपोज करें कि आपने कहा कि ये ज्यादा है, इसका अमाउंट ज्यादा है, अगर ये पहले इससे रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, ये पहले रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। लेट के हम इसके बेस में ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, ये OH माइनस के साथ में इसका ट्रीटमेंट हुआ। जब OH माइनस के साथ में इसका ट्रीटमेंट हुआ तो आप क्या करेंगे, यहां पर से जो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जो तीन हाइड्रोजन है उनमें से एक आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा बेस के द्वारा, तो ये यही आ गया CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ओके, दिस वन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये आया, तो इसका रेजोनेंस आप बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और H रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ओके, कार्बेनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नाउ सेकेंड स्टेप इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड जो कार्बेनाइन है उसका रिएक्शन सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के साथ में आप करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दिस वन गेट पॉजिटिव, ये आपका जो नेगेटिव है ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, तो देन आपका जो बनेगा प्रोडक्ट वो बन जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं CH3CH2CH here O negative CH2 CH2 C double bond O H, ओके, CH3CH2 CO negative H CH2 C double bond O H। देन फाइनली यहां पर आपने देखा था कि ये एच ओ एच माइनस ने लिया तो वाटर आउट हुआ, तो ये वाटर आपने यहां यूज करना है प्लस एच टू, ये यूज करना है तो एच प्लस इधर आ जाएगा तो बन जाएगा CH3CH2COH H CH2 C double bond O H और माइनस ओ एच। तो ये जो मिक्स्ड आपने एल्डिहाइड लिए थे, एक आपने एल्डिहाइड ये लिया, एक एल्डिहाइड लिया, यानी कि जिसको आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, तब जाके प्रोडक्ट आपके कुछ इस तरह से बन रहे। यहाँ पर आप ये हो गया अल्फा और ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसको बोल रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसमें बनता है। अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन में देखें तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। एल्डोल यहाँ पे अगर इसका यूपीएससी नाम अगर दें
तो अल्फा बीटा तो दिस और कॉमन नेम 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इट मीन्स 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, दैट इज द यूपीसी। ओके, तो इस तरीके से आप जो है एल्डोल कंडेंसेशन को दो पार्ट्स में ले सकते हैं, एक सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा जो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, अब नाउ नेक्स्ट हम इसके बाद वाले रिएक्शनों को कैनिजारो जो है फिर बताएंगे।